कोलंबिया के विला विसेंशियो में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ प्रशिक्षण के दौरान कोलंबियाई वायुसेना के दो विमानों के टकराने से दो लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ये घटना विला विसेंशियो एयरबेस पर हुई। विमान आसमान में जब उड़ रहा था, इसी बीच दूसरे विमान से टक्कर हो गई, जिसके बाद विमान एक ग्रामीण इलाके में जा गिरा। देखिए कैसे देखते ही देखते विमान की आपस में टक्कर होती है और टक्कर के बाद विमान गिर जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में उड़ते समय दोनों विमान के टक्कर के बाद आग लग जाती है और विमान नीचे आ गिरता है। विमान गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके तुरंत बाद पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और धू धू कर जल रही विमान की आग को तुरंत बुझाया गया। कहावत है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। राजधानी भोपाल में कहावत सच साबित हुई है। दरअसल एक महिला भोपाल स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी और महिला कोशिश करती जा रही थी। इसी बीच महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। वहां मौजूद आरपीएफ जवान उमा पटेल की जैसे ही महिला की तरफ नजर गई, वो भागते ही महिला को बचाने के लिए पहुंचा और किसी तरह महिला को खींचा। गनीमत रही कि महिला की जान बाल बाल बच गई। मध्य प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के बाद कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है, लेकिन इस बार जो अलर्ट जारी किया गया वो मध्यम या हल्की बारिश को लेकर नहीं, बल्कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें निवाड़ी, ओरछा, आगर, राजगढ़ और सागर शामिल हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हनुमत महायज्ञ के साथ 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा और मंत्रोच्चार के साथ हुआ। बागेश्वर धाम में इस साल विशाल गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त पहुंचकर महाराज से गुरु दीक्षा ग्रहण करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने शिष्यों और भक्तों को संबोधित करते हुए गुरु दीक्षा के नियम बताए। हम ही कानून हैं, हम ही जज हैं, हम ही पुलिस हैं, हम ही अपराध बताएंगे और हम ही सजा देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन और किसके शब्द हैं? तो जरा इस वीडियो को देखिए और इस हम के पीछे कौन है इसे समझिए। देवास के सोनकच्छ से तस्वीरें सामने आई, जहां एक महिला ने एक मूक बधिर को फोन लगाकर परेशान करने का आरोप लगाया और फिर खुद ही जज बनकर इसे बांधकर पीटना शुरू कर दिया। ये महिला हम यानी अहम में इतनी डूबी है कि इसने मूक बधिर को खंभे से बांधकर पीट डाला। तस्वीरें वायरल हुई, आप देख सकते हैं कि वीडियो इंदौर भोपाल हाईवे के बीच का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में महिला कहती है कि ये व्यक्ति उसे फोन लगाकर परेशान करता है। मूक बधिर व्यक्ति हाथ जोड़कर कान पकड़कर मारपीट न करने के लिए गुहार लगाता है, लेकिन महिला उसे पीटती रहती है। वायरल वीडियो पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मूक बधिर और उसके भाई को थाने ले जाकर मामले की जानकारी ली जा रही है, आगे की जांच की जाएगी। गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा, आस्था और भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम, ये है खंडवा का दादाजी धाम।
कहा जाता है कि भगवान शिव के अवतारी माने जाने वाले अवधूत संत केशवानंद जी महाराज ने यहाँ 1930 में समाधि ली थी। पहले ये एक अखाड़ा था जो बाद में आश्रम बना और फिर भक्तों ने उनकी समाधि पर भव्य मंदिर बना दिया। तभी से इसे दादाजी धूनी वाले का मंदिर कहते हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा पर मंदिर में भक्तों का उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा पर दादाजी धाम में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हुई है। 1 से 3 जुलाई तक ये महोत्सव चलेगा, जिसमें करीब 5 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना है। 2 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो आषाढ़ में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इन दिनों चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों का ज्ञान दिया, जिसके बाद महर्षि वेदव्यास के जन्म के साथ यानी आषाढ़ में पड़ने वाले पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। देश और प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु पूर्णिमा पर 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर कुबेरेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी पहुंचे। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से सौजन्य भेंट की। वहीं महोत्सव में देश के कई श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं पीएम के भाई प्रहलाद मोदी ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी रुद्राक्ष का वितरण करते हैं और वे चाहते हैं कि रुद्राक्ष का पूरे विश्व में वितरण हो। गुरु पूर्णिमा पर देश के कोने कोने में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिरडी में आज से 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत हो गई। उत्सव की शुरुआत शिरडी के साईं बाबा मंदिर में काकड़ आरती के साथ हुई। उसके बाद साईं समाधि मंदिर से गुरुस्थान होते हुए द्वारका माई तक साईं की फोटो, पोथी और वीणा की सवारी निकाली गई। इस दौरान भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि साईं बाबा की पहली बार उनके भक्त नुलकर ने गुरु मानकर पूजा की थी, जिसके बाद से ये उत्सव मनाया जाने लगा। सप्ताह भर पहले तक 10-20 रुपए प्रति किलो चल रहा टमाटर अचानक से महंगा हो गया है। टमाटर के दाम प्रति किलो 100 के पार पहुंच चुके हैं। स्थिति अब ये है कि राजधानी भोपाल में टमाटर ही खत्म हो चुका है। बेंगलुरु, राजस्थान से टमाटर यहां पर बुलवाए जा रहे हैं। महंगी हुई हरी सब्जियों के चलते गृहिणियों के किचन का बजट भी अब गड़बड़ाने लगा है। टमाटर ही नहीं बल्कि सभी हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां टमाटर 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं फूल गोभी 60 से 80 रुपए, लौकी 40 से 50, वहीं गिलकी 40 से 60 और भिंडी 40 से 60 रुपए तक बिक रही है। शिमला मिर्च की बात करें तो वो 60 से 80 रुपए प्रति किलो, बैगन 30 से 40 रुपए, अरबी 40 से 60 रुपए प्रति किलो, कद्दू 30 से 40 रुपए, करेला 40 से 60 रुपए और बरबटी की सब्जी भी 40 से 60 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजारों में बिक रही है। महीने भर पहले टमाटर के भाव की स्थिति ये थी कि अच्छे भाव नहीं मिल पाने की वजह से किसान टमाटर को सड़क किनारे फेंक रहे थे, जबकि अब मध्य प्रदेश में किसानों के पास टमाटर ही खत्म हो चुके हैं। ऐसे में टमाटर के दामों में अचानक से उछाल आ गया है। जिन किसानों के पास टमाटर की फसल है, उन्हें काफी फायदा हो रहा है। शिक्षक यानी गुरु, वो गुरु जो लोगों को सही राह दिखाए, लेकिन कभी कभी गुरु ही रास्ता भटक जाते हैं। ऐसी ही तस्वीर अंबिकापुर से सामने आई, जहां उदयपुर थाना क्षेत्र में बनी एक पानी की टंकी पर शराब के नशे में शिक्षक जा चढ़ा और घंटों ड्रामा करता रहा। शराबी शिक्षक का हाई वोल्टेज ड्रामा देख लोगों की भीड़ लग गई। शिक्षक को समझाया गया, नीचे उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो घंटों तक नहीं माना और ड्रामा करता रहा।
हालांकि ग्रामीणों की समझाइश के बाद वो किसी तरह से नीचे उतरा। सतरा की सड़क पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल एक महिला अपने परिजन से नाराज होकर भवन गवाह में एक किराए के मकान में रहने लगी। महिला अपनी बच्चियों के साथ रह रही थी। नाराज महिला को मनाने के लिए पति, पिता और भाई पहुंचे, जिसके बाद महिला ने भी सड़क पर ड्रामा शुरू कर दिया। पहले तो महिला अपने ही पति, पिता, भाई को पहचानने से मना कर रही थी। फिर जब वो महिला को ले जाने लगे तो बीच सड़क पर ड्रामा शुरू कर दिया। महिला अपने परिजन के साथ हाथापाई पर उतर आई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाकर घर भेजा। हेलो, अब हमसे आप लोगों को कौन बचाएगा? सावधान हो जाइए, मैं हूँ। ये सामने दिख रहे पोस्टर और पोस्टर पर लिखी इन बातों के बाद पूरा इलाका शांत है। घरों से कोई निकल नहीं रहा है। कुछ लोग अपने अपने घर में ताला जड़कर निकल गए हैं। लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें अंबिकापुर की हैं, जहां घुटरापारा के वार्ड संख्या 23 के एक दर्जन से अधिक घरों में एक पोस्टर चस्पा गया है और पोस्टर में चेतावनी दी गई है और कहा है कि हमसे आप लोगों को कौन बचाएगा। मैं Z2A बता दे कि कोई अज्ञात कई दिनों से परेशान कर रहा है, जिसके बाद लोग थाने पहुंचे और इसकी शिकायत पुलिस को दी है। इंदौर के रहने वाले 4 साल के अनग चित्तौड़ा ने प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। अनग इस छोटी उम्र में गणित की बड़ी संख्याओं को पहचान लेता है। बिना स्कूल ज्वाइन करे 4 साल का अनग करोड़ों की संख्या को आसानी से न केवल पहचान लेता है, बल्कि मिनटों में उसका कंपैरिजन भी कर देता है। 22 crore 22 lakh 25,644। महज 3 साल 11 माह की उम्र में अनक का नाम वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अनक की माँ श्रद्धा बताती हैं कि अनक ने 9 डिजिट को पहचानने और उसका कंपैरिजन करने का रिकॉर्ड बनाया। छत्तीसगढ़ का 41% इलाका वन क्षेत्र है। अब जाहिर सी बात है, अगर वन क्षेत्र इतना बड़ा होगा तो वन्य प्राणी भी होंगे और ये वन्य प्राणी कभी कभी जंगल से भटककर रिहायशी इलाकों में भी आ जाते हैं, कभी पानी तो कभी खाने की तलाश में। छत्तीसगढ़ से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, एक अंबिकापुर से तो दूसरी जशपुर से। अब इस तस्वीर को देखिए जो अंबिकापुर से सामने आई। अब देख सकते हैं 14 हाथियों का दल पटकुरा के जंगल में मौजूद है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण जान हथेली पर रखकर हाथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जशपुरी की है, जहां पुटुकेला और खरवा टोली में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। हाथियों ने 3 घरों को तोड़ डाला, घर में रखा अनाज भी चट कर गए। वहीं हाथियों के डर से घर में मौजूद सदस्य जान बचाकर भाग निकले। पेड़ पर्यावरण के रक्षक होते हैं। पेड़ से फल, फूल और इंसानों को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के तहत पेंड्रा में पेड़ों को बचाने के लिए एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास बन रहे नए कंपोजिट भवन के लिए लगातार पेड़ काटे गए, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पेड़ों को कफन ओढ़ाकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही बचे हुए पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उसको बचाने की अपील की गई है। साथ ही समाज सेवियों ने गुरुकुल की हरियाली को नहीं मिटाने की अपील की है। बता दें कि अब तक 12 पेड़ काटे जा चुके हैं।
मुंगेली में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी में सांप और अन्य जहरीले जीव बाहर आ रहे हैं और एक तस्वीर सामने आई जब एक घर में 6 फीट लंबा अजगर घुस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजगर कितना खतरनाक है। अजगर अक्सर छोटे जानवरों का शिकार करता है। वहीं घर में अजगर निकलने के बाद घर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। हालांकि गनीमत ये रही कि कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके बाद अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित नदी के किनारे छोड़ दिया गया। एक तरफ जहां मुंगेली में अजगर मिला है, तो वहीं जगदलपुर शहर के 2 अलग-अलग इलाकों से रेस्क्यू टीम ने कोबरा सांप को पकड़ा। धर्मपुरा बॉयज हॉस्टल में नाग सांप निकलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं दूसरा कोबरा सांप साकेत कॉलोनी में निकला। दोनों जगहों में रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर सांप को पकड़ा है। दोनों सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। बरसात के मौसम में रोजाना ही सांप निकल रहे हैं। स्नेक रेस्क्यू की टीम सांपों को रोजाना रेस्क्यू कर रही है। पथरिया के विधायक एक बार फिर से दमोह के पुलिस प्रशासन से नाराज दिखी। उनकी नाराजगी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो पथरिया विधानसभा के पथरिया मुख्य मार्ग का है, जहां पर पुलिस की जांच और चालान की कार्रवाई को देखकर विधायक रामबाई भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं। पथरिया विधायक इस वीडियो में ये कहती नजर आ रही हैं कि पुलिस हमारे किसान भाइयों के ऊपर गलत व्यवहार कर रही है। उन्होंने चेकिंग अभियान को गलत ठहराते हुए आपत्ति दर्ज कराई। वहीं पुलिस प्रशासन से होकर पुलिस अधिकारियों को फोन कर दिया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर क्या कभी आपने जैन स्वर्ण मंदिर के बारे में सुना है, जो कि गालव ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर में स्थित है। ये मंदिर धार्मिक आस्थाओं का केंद्र होने के साथ ही ग्वालियर की कला का भी बेजोड़ उदाहरण है, जिसकी कारीगरी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दिगंबर जैन तेरापंथ पंचायत का ये स्वर्ण मंदिर ग्वालियर के डीडवाना औली में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सन 1704 यानी भादो सुदी 2 सवन 1761 में किया गया था। इस मंदिर में 1 इंच से लेकर 6 इंच तक की कुल 163 मूर्तियां स्थापित है। 300 साल पहले निर्मित हुए इस मंदिर के निर्माण में 10 साल का वक्त लगा था और इसकी दीवार और छत पर भी कई जगह सोने की नक्काशी से 45 साल का समय लगा था। साल 2015 का मंदिर का रेनोवेशन 10 किलो सोने से किया गया। कुल मिलाकर अभी तक इस मंदिर में 100 किलो से ज्यादा सोने की पॉलिश हो चुकी है। मंदिर में स्थापित मूर्तियां प्राचीनतम होने के साथ वास्तुशिल्प की दृष्टि से भी उम्दा है। इन मूर्तियों में लगे सोने की कीमत करोड़ों रुपए है। छत्तीसगढ़ ने अपनी माटी में कई खूबियां समेटी है। भगवान श्री राम का ननिहाल कहलाने वाले छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विविधता, संस्कृति और पारंपरिक इतिहास सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राजाओं के इस गढ़ में कई पुरातात्विक धार्मिक स्थल इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो प्रदेश की गौरव गाथा का उल्लेख करते हैं। कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश दुनिया में भी जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक है दुर्ग जिले के देव बलोदा चरोदा में बनी कलचुरी शासन काल में 13वीं शताब्दी में बना प्राचीन शिव मंदिर। दुर्ग जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा है बाबा भोलेनाथ का पवित्र धाम देव बलोदा। देव बलोदा के पवित्र स्थल पर निर्मित हुए इस शिव मंदिर की अपनी ही विशेषता और कहानी है। आम मंदिरों से बेहद अलग इस मंदिर को देखा जा सकता है, जो मानो खजुराहो की याद दिलाता है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कलचुरी शासनकाल में कराया गया।
जिसका निर्माण अधूरा ही रह गया और आज भी वो वैसा का वैसा ही है। आम मंदिरों की तरह यहाँ कोई गुंबद नहीं है, पूरा मंदिर पत्थरों पर नक्काशी कर तैयार किया गया है। नक्काशियाँ अपने प्राचीन इतिहास की कहानियाँ स्वयं बयां करती है। कहीं राजा रानी नजर आते हैं, कहीं रानी की पालकी। नक्काशियों में हाथी घोड़ा जैसी कलाकृति भी देखने को मिलती है।